नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जब रैली में स्मृति ईरानी ने पूछा, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया, जवाब मिला हाँ हुआ। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी का लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस मध्य प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने 8 मई को शेयर किया है। स्मृति ईरानी 8 मई को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश गई थी। चुनावी सभाओं में स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा वार कर रही थी, लेकिन रैली में मौजूद एक शख्स ने स्मृति ईरानी को ऐसा जवाब दिया कि वह शांत हो गई और कुछ देर के लिए उनका अपना चुनावी भाषण बंद करना पड़ा। भोपाल के अशोक नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए ईरानी ने रैली की भीड़ से पूछा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में किसानों का लोन माफ करने का वादा किया था, क्या वह हो गया? इस सवाल को सुन रैली में मौजूद भीड़ एकदम से चिल्लाने लगी और कहा हाँ हो गया। स्मृति ईरानी ने फिर से सवाल दोहराते हुए कहा, क्या लोन माफ हो गया? तो फिर से जवाब आया हाँ हो गया। इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वीडियो को ट्वीट कर लिखा, स्मृति ईरानी की हुई किरकिरी। स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के अशोक नगर में मन से पूछा, क्या किसानों का कर्ज क्या वह हो गया? बहुत गहराई तक फैली है भ्रष्टाचार की जड़ें। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई 3 घटनाओं ने भारत की न्याय व्यवस्था को सदमे में डाल दिया और यहां तक कि जाने माने वकील और भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विगत 9 मई को एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा कि अदालत को डराने का कुचक्र चल रहा है। अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत भी यही बात कर रहे हैं और देश का शासन वर्ग भी, तो फिर इलाज क्या है? क्या न्याय के लिए माफियाओं की दहलीज पर जाना होगा? इन 3 घटनाओं से पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार पर शोध कर रहे विद्वानों के लिए एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विकासशील देशों में प्रचलन में आया कॉलुसिव करप्शन से छुटकारा पाना असंभव है? इस किस्म का भ्रष्टाचार सन 1970 से शुरू हुआ, जब विकास का पैसा बड़े परिणाम में सरकारी विभागों के माध्यम से भारत सहित तृतीय में दिया जाने लगा। इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसका खत्म होना तब तक संभव नहीं जब तक समाज के अंदर व्यक्तित्व नैतिक विवेक को झकझोरा ना जाए और साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक न कानून और संस्थाओं को इतना मजबूत ना बना दिया जाए। पश्चिम बंगाल के घाटका पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की गाड़ी पर हमला। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के 6 चरण के तहत घाटल में रविवार को बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमले का मामला सामने आया है। इस क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि वोटिंग के दौरान जब वह अपने क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर गई तो वहां उनसे तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। इस दौरान उनकी कार पर भी हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। 12 मई को घाटल समेत 8 लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें मिदानपुर और झारग्राम सहित पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, घाटल, कांटी और तामलुक लोकसभा सीट शामिल है। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।